फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको पांच एक्सरसाइज बताऊंगी। पांचों की पांचों एक्सरसाइज आपके पेट को रिड्यूस करने के लिए हैं। अगर आप ये पांचों एक्सरसाइज कर सकते हैं तो पांचों एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी है। अगर आप पांच एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप इनमें से कोई भी तीन एक्सरसाइज भी अगर करते हैं उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपका पेट का फैट कम करने में। अगर आप लगातार 7 दिन तक भी इन एक्सरसाइज को करते हैं तो 100% आपको फ़र्क अपने जो टमी का एरिया है इसमें दिखाई देगा। इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक सही और अच्छा डाइट भी लेना है। आप चाहें तो मेरा ये वाला डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं और साथ में ये एक्सरसाइजेस कीजिए, 100% आपको फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरीके का वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जिस डाइट प्लान के बारे में आपको बताया है उस डाइट प्लान का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप एक बार उस डाइट प्लान को जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ रख दीजिए और एक एक करके ऐसे दोनों हाथों को नीचे रखेंगे आराम से, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम दो तरीके से करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला तरीका है उसमें क्या करना है, जो आपका पैर का अंगूठा है इसको आपको बिल्कुल ऐसे खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे एकदम पैर सीधा और फिर वापस, फिर धीरे से दूसरा पैर, ठीक है। पहले हम इसी वेरिएशन के 10 राउंड करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ में कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हो, सुबह खाली पेट कर सकते हो, लंच करने के 2 घंटे के बाद कर सकते हो, डिनर करने के 2 घंटे के बाद कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के भी 2 घंटे के बाद कर सकते हो, ठीक है। तो कम ऑन, एक राउंड मेरे साथ में कीजिए। 1 2 पैर एकदम सीधा रखिए और अंगूठा छत की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 and 10 I just relax। तो ये था इसका फर्स्ट वेरिएशन जो आपको इसी तरीके से धीरे धीरे करना है। अगर आपको ये करना बहुत आसान लग रहा है, हालांकि जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा खिंचाव सा महसूस होगा, यहाँ पे आपको फ़र्क दिखाई देगा सेम टाइम में, ठीक है। अगर ये आप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं तो इसका नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे 20 टाइम्स। किस तरह से करना है, आपको पैरों को ऊपर लेके जाना है और पैर को बिना नीचे लगाए दूसरा पैर ऊपर, ये इस तरह से ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 20 काउंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 That's it। देखने में बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ साथ में किया होगा तो अभी आपको यहाँ पे ना ऐसे क्रैम्प से आने लग रहे होंगे, है ना। ये जो क्रैम्प्स हैं ये आपके फैट को भी रिड्यूस करेंगे और आपके कोर मसल्स को स्ट्रांग भी बनाएंगे। सो इसके इनिशियली आपको इतने ही राउंड करने हैं और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। अभी ये 1 सेट हो गया यहाँ पे, इसी तरीके से आपको इसको 3 सेट लगाने हैं। अब देख लेते हैं सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से अपनी हथेलियों को रखेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में मैट की चौड़ाई की बराबर गैप कीजिए, ऐसे दोनों पैर पीछे, ये इस तरह से, ठीक है। प्लैंक की पोजीशन में आ गए, आपको यहीं पे रहना है और हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल हल्का सा ऐसे, और फिर पूरा आगे इस तरह से, ये अपने बिल्कुल पैर के अंगूठों पर आ जाएंगे, फिर से पीछे हल्का सा और फिर से पूरा आगे इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। इसके हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। आप एक्सरसाइज एक बार मेरे साथ साथ में करते जाइए और 5 में से आप 5ों कर पाए या कौन से 3 आपने चूज किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, पीछे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and just relax। 10 राउंड करने के बाद
मेरी भी कोर्स में ना यहाँ पे काफ़ी टाइटनेस आ रही है एंड आई एम श्योर कि आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। अगर इनिशियली आप बिल्कुल पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 राउंड आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो पहले आप 5 राउंड करो, फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक लो और फिर से इसके 5 राउंड कंप्लीट करो। इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब देख लेते हैं तीसरी एक्सरसाइज, जिसके लिए इस तरह से आ जाइए, ऐसे दोनों पैरों को सामने रखेंगे और धीरे से इस तरह से लेट जाइए, पैरों को ऊपर उठाएंगे ये ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आगे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे इस तरह से, सांस भरते हुए इस पोजीशन में आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर पोजीशन में। पैर को जितना हो सके आगे की तरफ आपको सीधा करना है। अगर पहली बार में आपसे पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना आप लेके जा पा रहे हैं उतना लेके जाइए और फिर वापस आ जाइए, ठीक है। चलिए इसके भी हम 10 राउंड करेंगे। पैरों को ऊपर उठाइए एंड देन स्टार्ट, 1 2, बिल्कुल आराम आराम से, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड जस्ट रिलैक्स। अभी आप देखोगे कि जैसे आपका ये प्रैक्टिस खत्म होगा ना, आपको हल्का हल्का सा यहाँ पे बहुत मामूली सा दर्द होगा जो कि थोड़ी देर में निकल जाएगा, और साथ में आपके जो कोर मसल्स हैं बिल्कुल टाइट हो गए होंगे। अब जिन भी लोगों को यहाँ पे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, वो इस तरह से पैरों को उठा के थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ हल्का हल्का स्ट्रेच कर लीजिए, ये दर्द आपका बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइजेस। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए दोनों पैरों को सामने रखेंगे इस तरह से, एकदम सीधे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ब्रीथ के साथ में प्रैक्टिस करना है, ऐसे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल, और फिर सांस को छोड़ेंगे आगे की तरफ, इस तरह से मुंह से सांस छोड़िए और पूरा आगे की तरफ झुकेंगे। जब आप ऐसे आगे जाएंगे ना, तो ये जो आपका पेट का नीचे वाला एरिया है, इसको पूरा अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ आपको, और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना, लाइक इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, फोर्सफुली मुंह से सांस बाहर छोड़िए और आगे की तरफ आने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ यहाँ तक अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो जहाँ तक आ पा रहे हैं वहाँ तक इस तरह से पकड़िए, ठीक है। पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पे रखना कि आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस फोर्सफुली बाहर छोड़ना है, ठीक है। चलो 10 राउंड करते हैं, इनहेल, एक्सहेल, 2 3 4, पूरा पेट अंदर खींचिए, 5 6 7 8 9 and 10 ये प्रैक्टिस करने से भी आपको आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा, काफ़ी आपको ये मूवमेंट जो आपके पेट का मूवमेंट है ना, जो ब्रीदिंग करने की वजह से आप फील करते हैं, ये आपके टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और जिन लोगों को भी, खासकर महिलाओं को हार्मोनल इम्बेलेंस का प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स रिलेटेड इशूज़ होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। तो इसके भी आपको 10-10 के कम से कम 3 राउंड लगाने हैं, सारी प्रैक्टिस जो मैं अभी तक बता रही हूँ सबके। अब देख लेते हैं हमारी लास्ट प्रैक्टिस। अब तक के प्रैक्टिसेस में सबसे मुश्किल कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, ऐसे इस तरह से रख दीजिए आगे, और पूरा इस तरह से पीछे चले जाएंगे, ऐसे दोनों हाथ पीछे। अब आपको डीप ब्रीथ करना है, लाइक इनहेल, एक्सहेल, सीधा अपने पैर के अंगूठे पकड़िए और फिर से इस तरह से पीछे जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस के भी आपको टोटल 10 राउंड करने हैं। अगर आप इस तरह से पूरा ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर आपको ये इस तरीके से करना है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। बाकी जो लोग उठ पा रहे हैं वो पूरा उठ के इस प्रैक्टिस को करेंगे, चलिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, जो भी वेरिएशन आप पे काम करता है प्लीज गो फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट, इनहेल, एक्सहेल, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That's it. ये प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा होगा. अगर आपने ये पांचों प्रैक्टिसेस मेरे साथ की हैं तो ये कितनी इफेक्टिव हैं आपको पता चल ही गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एक्सरसाइजेस पसंद आई हैं, तो वीडियो को सेव कर लीजिए, डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस कीजिए, साथ में बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी एक्सरसाइज का फ़ायदा हो सके. फ्रेंड्स, वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए. थैंक यू.